तो मेरे भाई जिम के अंदर एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड सा क्वेश्चन उठता है जो लोग नॉर्मली जिम के अंदर भी जिम के बाहर भी पूछते हैं, और वो ये क्वेश्चन होता है कि यार ऐसी कौन सी सिंगल एक्सरसाइज करूं जिससे कि मेरी ओवरऑल बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाए, ओवरऑल मेरी बॉडी बूस्ट हो जाए। तो मेरे भाई हालांकि बहुत ही ज्यादा वियर्ड क्वेश्चन है क्योंकि कोई भी एक सिंगल एक्सरसाइज आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती, बट स्टिल एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है, बहुत ही ज्यादा आपकी बॉडी में बूस्ट लाएगी, बहुत ही ज्यादा आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेगी, और वो आपको वीडियो का टाइटल देख के पता चल गया होगा कि मैं कौन सी एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा हूं। तो भाई यहां पर बात होने वाली है स्क्वैट्स की, और मैं बताने वाला हूं कि स्क्वैट्स इतनी ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज क्यों मानी जाती है, क्यों उसको एक्सरसाइजेस का किंग बोला जाता है। तो भाई मेरा नाम है पुनीत त्यागी, और आप फर्स्ट टाइम अगर जो इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे रेड बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक कर देना। यहाँ पे मैं मेंस फैशन, मेंस फिटनेस, मेंस ग्रूमिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस डालता हूँ कि आपको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, आपका हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी कैसे बनेगी। तो चलो फिर वीडियो को करते हैं शुरू। तो भाई स्क्वैट्स एक बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल मूवमेंट है, और फंडामेंटल मूवमेंट का मतलब ये है कि यार तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है, ये हर किसी को आनी चाहिए। तो भाई अब जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, वो चाहे आप हो चाहे हम हैं, दिल्ली, बेंगलोर, चंडीगढ़, मुंबई, ऐसे शहरों में रहने वाले जो वर्किंग क्लास लोग हैं उनकी आदत बन चुकी है पूरे दिन चेयर पे बैठना, सोफे पे बैठे रहना। मींस उनके जो पोस्चर्स हैं वो इतने ज्यादा रिजिड हो चुके हैं कि जो वो बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं वो कर ही नहीं पाते हैं। 30% से ज्यादा वर्किंग क्लास जो लोग हैं वो स्क्वैट्स नहीं मार पाते, और एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है। और इस चीज के लिए मैं यार ब्लेम करूंगा हमारे यहाँ के जो अनएजुकेटेड ट्रेनर्स हैं या फिर जो गली गली में जिम खुले हुए हैं उनको मैं ब्लेम करूंगा इस चीज के लिए। तो यार क्योंकि वो करते क्या है, वो यार एक छोटे से मिथ को वो रियलिटी बना के लोगों के आगे शो करते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं। तो यार आपको बस एक चीज याद रखनी है, स्क्वैट्स में एक दो चीजें बताता हूँ आपको पहले कि परफेक्ट मूवमेंट कैसे बोली जाती है, किसको बोली जाती है परफेक्ट मूवमेंट। एक दो चीजें बता देता हूँ मैं स्क्वैट्स से रिलेटेड, आपको बस उसी पे ध्यान देना है। पहली चीज तो ये कि कभी भी जब भी स्क्वैट्स मारो ना पूरा नीचे मत बैठो। स्क्वैट्स इज ऑल अबाउट हाफ मूवमेंट, आपको सिर्फ हाफ स्क्वैट्स मारने हैं, नीचे नहीं बैठना है पूरा। अब आधे ट्रेनर्स वो आधा फुल लगवा देते हैं, आधे ट्रेनर्स नहीं लगवाते, बट जो एक की रूल है वो यही है कि आपको स्क्वैट्स हाफ मारने हैं। दूसरी चीज ये है कि यार कभी भी ना क्लोज वाली जो आपकी स्क्वैट्स होती है वो कभी मत मारना। क्लोज स्क्वैट्स वो होती है जिसमें आप पैरों को बिल्कुल जोड़ के स्क्वैट्स मारते हो, वो आपकी नीज को 110% डैमेज करेंगी। तो यार वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको अगर जो मारनी है स्क्वैट्स तो आपको मारनी है शोल्डर के लेंथ, मतलब शोल्डर के ब्रॉडनेस पर। अगर जो आपकी शोल्डर ब्रॉड है तो आपके लेग्स भी उतने ही ब्रॉड होने चाहिए, या फिर आप मार सकते हो सुमो स्क्वैट्स जिसमें कि आपके लेग्स थोड़े से वाइड होते हैं। तो ये दो तीन तरीके होते हैं, बहुत बेसिक रूल है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो चीजें मैंने आपको बता दी है वो करनी है। तो यार अगर जो मैं रीजंस की बात करूं ना कि क्यों स्क्वैट्स को राजा बोला जाता है, किंग बोला जाता है एक्सरसाइजेस का, तो जो पहला रीजन है वो है यार ये कि जब भी आप स्क्वैट्स करते हो परफेक्ट मूवमेंट के साथ तो वो आपका टेस्टा बूस्ट करता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ग्रोथ होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो किसी भी ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि जितना ज्यादा वो अच्छा होगा उतनी ही ज्यादा आपकी ही बॉडी अच्छी होगी। और यार स्क्वैट्स मारते वक्त ना ये दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ आप लेग्स का वर्कआउट कर रहे हो, क्योंकि जब आप स्क्वैट्स मारते हो अच्छे तरीके से तो जो टेस्टा बूस्ट होता है, जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है आपकी बॉडी में, ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ करता है वो, सिर्फ आपके लेग्स की नहीं ओवरऑल बॉडी ग्रोथ होती है। भाई एक और रीजन ये है कि फैट लॉस करता है, स्क्वैट्स करने से आपका फैट लॉस होगा। अब स्क्वैट्स में उतना ही पोटेंशियल होता है जितना कि आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग के अंदर होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार रनिंग और स्क्वैट्स मतलब दोनों में कोई रिलेशन है नहीं, बट स्टिल स्क्वैट्स आपका फैट लॉस कैसे करेगा। तो भाई आपको एक बहुत ही ज्यादा बेसिक रूल मैं आपको बता देता हूं, और वो बेसिक रूल ये है कि अगर जो आपका मसल मास बढ़ेगा तो आपकी कैलोरी ऑटोमेटिकली बर्नआउट होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके पीछे का जो मैथ्स है, इसके पीछे की जो इक्वेशन है वो ये है कि यार अगर जो आप 1 पाउंड मसल मास बढ़ाते हो तो यार 35 से 40 कैलोरी ऑटोमेटिकली दिन की आपकी बर्नआउट होगी। तो अगर जो मैं ओवरऑल की बात करूं, ओवरऑल बॉडी की बात करूं, तो अगर जो आपने पूरे शरीर में 10 पाउंड कहीं ना कहीं आपने अगर जो मसल मास बढ़ा लिया है तो भाई 400 से 500 के करीब आपकी कैलोरी ऑटोमेटिकली बर्न होगी।
तो यार ये इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म धीरे 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 फास्ट होता है जब आपका मसल जो है वो ग्रो करना शुरू करता है। और भाई स्क्वैट्स से ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे नहीं दिखती है मसल ग्रोथ के लिए, मसल मास के लिए। तो अब जो यार तीसरा रीज़न है ना, वो तीसरा रीज़न ये है कि वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा कर देती है। अब आपने सुना होगा, बहुत सारे आपके दोस्त यार बोलते होंगे कि यार मेरा हाथ सो गया या पैर सुन हो गया या नंब हो गया है। तो भाई वो सोता हुआ तो कुछ नहीं है, आपका ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। तो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए दिन के कम से कम 50 स्क्वैट्स मारो आप, और 110% आपकी जो ये नंबनेस वाली प्रॉब्लम है, जो सर्कुलेशन वाली प्रॉब्लम है, पूरी ठीक हो जाएगी। क्योंकि स्क्वैट्स से बेस्ट एक्सरसाइज कोई नहीं है ब्लड सर्कुलेशन को खोलने के लिए। तो भाई ये तीन थे स्क्वैट्स के सबसे ज़्यादा मेजर, सबसे ज़्यादा अच्छे फायदे। बाकी उसके साथ साथ आपका कोर भी स्ट्रॉन्ग होता है स्क्वैट्स मारने से, आपकी एब्स जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, आप किसी से भी रनिंग में जीत सकते हो स्क्वैट्स अगर जो आप मारते हो तो, हाई जंप आप और उससे बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली अच्छी मार सकते हो। ये सारे रीजंस थे कि क्यों स्क्वैट्स को राजा बोला जाता है, किंग ऑफ एक्सरसाइजेस बोला जाता है। अगर जो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी प्रॉब्लम हो स्क्वैट्स से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चंस दिमाग में आ रहा हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही साथ इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो कि आपके जिम पार्टनर्स हैं या फिर जिम करते हैं आपके साथ।